वर्ब हमारी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विजडम हमारी। आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जो आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे, बिल्कुल नहीं सुने होंगे। आप शायद शशि थरूर साहब को जानते होंगे। नहीं 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 मैं उनकी कॉपी नहीं करने जा रहा हूँ। वो किस लिए मशहूर हैं आप शायद जानते हो, वो नए वर्ड्स यूज करने के लिए काफी मशहूर हैं। हालांकि नए वर्ड से मतलब ये नहीं होता है कि ये वर्ड हाथों हाथ रिलीज होते हैं और शशि थरूर साहब उसे ले आते हैं। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं, छोटे मोटे एप्लीकेशन में भी नहीं होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बता रहा हूँ, सारे एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि किसी चीज या किसी आदमी के बारे में यूज होंगे। आप देखते रहिए और ये ध्यान रखिए कि कौन सा वर्ड आपके याद है और कौन सा नहीं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए आप मुश्किल को क्या कहते हैं, मुश्किल कठिन जी, मुश्किल या कठिन को आप हार्ड या डिफिकल्ट या चैलेंजिंग या डिमांडिंग कहते होंगे, लेकिन आप मत कहिएगा क्योंकि ये तो सभी बोल लेते हैं। इंप्रेशन बनाइए, इंग्लिश इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ इंप्रेशन। शशि थरूर साहब को तो जानते ही होंगे, मैंने पहले जिक्र किया है। एकदम नया वर्ड यूज कीजिएगा, मुश्किल या हार्ड डिफिकल्ट चैलेंजिंग की जगह आप आर्डुअस शब्द इस्तेमाल कीजिए। अमेरिकन इंग्लिश में इसे आर्डुअस भी पढ़ा जाता है, तो आप आर्डुअस यूज कर सकते हैं। आप स्पेलिंग देख सकते हैं स्क्रीन पर, आर्डुअस मीन्स हार्ड डिफिकल्ट चैलेंजिंग डिमांडिंग, कुछ भी लगा सकते हैं। इस्तेमाल उसी तरह होता है इस तरह हार्ड का किया जाता है, जैसे आपको कहना हो इट इज ए डिफिकल्ट वर्क, उसी तरह आप कह सकते हैं इट इज एन आर्डुअस वर्क। दूसरे वर्ड पर आता हूं, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा बात करता है, पका देता है आम भाषा में कहूं तो आप कहते हैं यार बड़ा टॉकेटिव आदमी है। आप टॉकेटिव मत कहिएगा क्योंकि टॉकेटिव तो सभी कहते हैं, आप कहिएगा ब्लैदरस्काइट। स्पेलिंग देख सकते हैं, ब्लैदरस्काइट इज अ पर्सन हु स्पीक्स टू मच विदाउट ए सेंस, बिना किसी सोच समझदारी के जो आदमी बहुत ज्यादा बात करता है उसे ब्लैदरस्काइट कहते हैं। तीसरे वर्ड पर आता हूं, बहुत से लोग खाने के शौकीन होते हैं, खाने का शौक होता है बहुत सारों को। मैं नियत खराब वाला मैटर नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को खाने पीने की चीजें अच्छी लगती हैं। तो जिन्हें खाने पीने की चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें आप फूड लवर ना कहकर इडेशियस कहिएगा। इडेशियस यानी कि वो आदमी जिसे खाने पीने की चीजें पसंद हो, इडेशियस कहलाता है। हाँ कुछ लोग बारिश को या कड़कड़ाहट को, बादलों को बहुत ज्यादा पसंद। पर्सनली बात करूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, घर में बंद होकर रह जाना अच्छा सा नहीं लगता। खैर तो जिन्हें बारिश पसंद होती है ऐसे आदमियों को इंग्लिश में सिरोनोफाइल कहा जाता है। सिरोनोफाइल इज अ पर्सन हु लाइक्स और लव्स द रेन, बारिश जिन्हें पसंद होती है उन्हें सिरोनोफाइल कहा जाता है। आयरिडिसेंट एक नया वर्ड है, अगले वर्ड पे आ गया हूं। आयरिडिसेंट या इरिडिसेंट वो आदमी होता है जो मौके के हिसाब से अपनी बातें बदल लेता है, आप इसे अपॉर्चुनिस्ट कह सकते हैं, यानी कि हम हिंदी में बोलते हैं ना गिरगट की तरह रंग बदल रहा है, उसी तरह आप इस पूरे सेंटेंस को ना कहके कि वह गिरगट की तरह रंग बदलता है, आप ये कह सकते हैं ही इज इरिडिसेंट। मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये वर्ड नहीं सुने होंगे, सुने होंगे या यूज किए बहुत कम देखे। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं, जब कोई आदमी बहुत शरीफ आपको दिखता है, बहुत नेक दिखता है तो आप कहते हैं इज अ वेरी जेंटल पर्सन या नोबल पर्सन। आप जेंटल और नोबल ना कहिएगा, आप उसे कहिएगा ही इज एन एथ्रियल पर्सन। एथ्रियल, एथ्रियल उस इंसान को कहा जाता है जो बहुत शरीफ हो या नेक हो। नोबल और जेंटल तो सभी कह लेते हैं, आप कुछ नया कीजिए और एथ्रियल यूज कीजिए। एक और वर्ड की बात करते हैं, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा सफर करता हो, यात्रा करता हो, ट्रेवल करता हो क्या कहलाता होगा, आप कहेंगे ट्रेवलर कहलाता होगा। ट्रेवलर तो सभी कह लेते हैं, आप ऐसे इंसान को कहिए इटिनरेंट। वो आदमी जो बहुत ज्यादा सफर करता हो, चाहे अपने शौक की वजह से करता हो या अपने काम की वजह से करता हो या किसी मजबूरी के तहत करता हो, ऐसे इंसान को, ऐसे आदमी को आप इटिनरेंट कहते हैं। अरे हाँ एक और वर्ड याद आया, स्नॉलीगोस्टर। स्नॉलीगोस्टर वो आदमी होता है जिसे आप हिंदी में खुदगरज कहते हैं। आप खुदगरज को इंग्लिश में सेल्फिश कहते हैं, आप सेल्फिश ना कहिए, स्नॉलीगोस्टर कहिएगा। ये शशि थरूर साहब ने मुझे पॉलिटिकल रेफरेंस का समझे इस बात को, नीतीश कुमार जी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया था और इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा भी था,
नीतीश कुमार इज ए स्नॉली कॉस्टर, यानी कि वो इंसान जो मौका परस्त हो स्नॉली कॉस्टर कहलाता है। आप सेल्फिश या अपॉर्चुनिस्ट की जगह स्नॉली कॉस्टर यूज कीजिए। और हाँ, एक वर्ड और, नेफेली बेटा, ये बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, पुर्तगाली भाषा से इंग्लिश में आया है, पुर्तगाली भाषा से इंग्लिश में आया है नेफेली बेटा। ये वो शख्स है जो हर वक्त अपने इमेजिनेशन में डूबा रहता है, जैसे हर वक्त कोई आदमी अपनी सोच में लगा रहता है, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हैं तो, या इमेजिनेटिव कहते हैं तो, आप ऐसे आदमी को इमेजिनेटिव या सेल्फ सेंटर्ड ना कहेंगे, नेफिली बेटा कहिए। महफिल में जहां आप बैठेंगे आपके ग्रुप में एक अलग ही इंप्रेशन होगा, डिफरेंट रहिए, डिफरेंट दिखिए। अब एक और वर्ड की बात करते हैं, इनसीपियंट। इंसिपियंट, अभी बताता हूं, देखिए आप शुरुआती चीज को प्राइमरी कहते होंगे या एलिमेंट्री कहते होंगे, इनिशिएटिव स्टेज भी कहते हैं किसी चीज को, कि आपकी बीमारी अभी प्राइमरी स्टेज में है, आप प्राइमरी की जगह इनसीपियंट यूज कर सकते हैं। आई एम एन इनसीपियंट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश का एक शुरुआती स्टूडेंट हूं, इस तरह कह सकते हैं। अगर आपको और किसी चीज को कहना हो, जैसे योर डिसीज इज इनसीपियंट, स्टेज लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप काम करता है। तो एक वर्ड और मिला आपको, प्राइमरी स्टेज की जगह या शुरुआती मरहले की जगह, वो होता है इंसिपिएंट। हाँ, पागल को आप मेंटल भी कहते होंगे, क्रेजी भी कहते होंगे, मैड, मैनियक, बहुत सारे वर्ड कहते होंगे, लेकिन ये सब अकेले आप ही नहीं कहते, ये सब सभी कहते हैं, इसलिए आप थोड़ा अलग हो जाइए, फाइंड द डिफरेंस, बी द डिफरेंट। पागल के लिए आप वैकी लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, कह सकते हैं ही इज अ वैकी पर्सन, दिस इज अ वैकी वर्क, इस तरह से आप वैकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कोई आपका दोस्त आपके जब बहुत करीब होता है, जिसे आप क्लोज कहते हैं, तो आप क्लोज ही कहते होंगे, लेकिन क्लोज से भी एक नया वर्ड है, एक अलग वर्ड है, मैं नया गलत कह रहा हूं, एक अलग वर्ड है, वो है प्रॉपिंग क्विंट। आप कह सकते हैं ही इज माई प्रॉपिंग क्विंट फ्रेंड, खाली प्रॉपिंग क्विंट भी चल सकता है, एडजेक्टिव कभी कभी नाउन के तौर पर भी यूज होता है, तो प्रॉपिंग क्विंट जो आपके बहुत ज्यादा करीब, प्रॉपिंग क्विंट फ्रेंड, प्रॉपिंग क्विंट रिलेटिव। इलियट, तो इलियट का नाम तो आपने सुना ही होगा, इलियट एक बहुत महान ग्रंथ है, दिस इज अ होली स्क्रिप्चर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इलियट के हीरो का नाम है ओडिसियस। आजकल ओडिसियस उस आदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ज्यादा करेजियस हो, बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो, यानी कि जोखिम उठाने वाला हो और हौसले वाला इंसान हो, तो आप उसे ओडिसियस कह सकते हैं, और इस तरह यूज करेंगे कि माय फ्रेंड इज वेरी ओडिसियस, या ही इज अ वेरी ओडिसियस बॉय। तो एक वर्ड और आपकी डिक्शनरी में ऐड हुआ, ओडिसियस। और दो वर्ड्स मैं यहाँ एंटोनिम्स के तौर पर बता रहा हूं, आपको याद भी रहेंगे, xenodochial और xenophobic। पहले xenodochial की बात करते हैं। xenodochial वो इंसान होता है जो मेहमान की अच्छी आवभगत करता है, अच्छी खातिर तवाजो करता है, उसे xenodochial कहते हैं। नया है ना, अलग है। और xenophobic वो इंसान होता है जो मेहमान को देखकर सूख जाता है, यार कहां से आ गए मेहमान, परेशान हो जाता है, वो है ना एक दूसरे के अपोजिट। xenodochial एक हॉस्पिटेबल इंसान होता है, मेहमान की अवभगत करने वाला, और ज़ेनोफोबिक वो इंसान होता है जो मेहमान से चिढ़ जाता हो, उसे अच्छा ना लगता हो, इनहॉस्पिटेबल। आज की ये मेरे क्लिप आपको कैसी लगी जानने का इंतजार करूंगा, अवेटिंग योर फीडबैक, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद सैट मोहम्मद। अगले संडे फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़।